नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सावन माह के सबसे अंतिम प्रदोष व्रत के बारे में। साल 2024 में सावन माह का यह सबसे अंतिम प्रदोष का व्रत है। कौन सी तिथि को रखा जाएगा, दिन क्या होगा, वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा की विधियाँ क्या होंगी और अन्य सभी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हर माह दो प्रदोष के व्रत किए जाते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। दोनों ही प्रदोष के व्रत भगवान शिव को, भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय माने जाते हैं। जो भी भक्तगण प्रदोष का व्रत करते हैं वह भगवान शिव के अत्यधिक हृदय के नज़दीक माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष का व्रत एकमात्र ऐसा व्रत है जिससे भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर कृपा करते हैं। विशेषकर सावन माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की महत्ता बहुत अधिक बतलाई जाती है। प्रदोष का व्रत करने से जीवन में खुशहाली आती है और सभी प्रकार के शुभ फल की प्राप्ति होती है। समस्त कठिनाई और जीवन से परेशानी का अंत हो जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ के साथ ही माँ पार्वती की भी पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा करने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। संतान से जुड़ी हुई समस्या हो या फिर वैवाहिक जीवन में आप कोई समस्या को से जूझ रहे हो, उन सभी के निवारण के लिए प्रदोष का व्रत रामबाण की तरह साबित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में त्रयोदशी तिथि का आरंभ 17 अगस्त को प्रातः काल 8:05 पर होगा। वहीं इसका समापन अगले दिन 18 अगस्त को प्रातः काल 5:50 पर होगा। हम सभी वैसे तो जानते हैं कि उदया तिथि के अनुसार जो व्रत हमें प्राप्त होते हैं उन्हीं व्रत को करने की महत्ता और महिमा बतलाई गई है, परंतु प्रदोष व्रत में थोड़ा सा अलग नियम है। इसमें प्रदोष काल में जो भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए हमें प्रदोष काल में मुहूर्त प्राप्त होते हैं उन्हीं व्रत को करने की महिमा बतलाई जाती है। ऐसे में हम सभी 17 अगस्त दिन शनिवार को प्रदोष का व्रत रखेंगे। शनिवार को पड़ने की वजह से इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत समस्त प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए तथा शत्रु बाधा को समाप्त करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। सावन माह में पड़ने वाला यह सबसे अंतिम प्रदोष का व्रत है। इस दिन 200 भी योगों का निर्माण हो रहा है। व्रत वाले दिन सुबह ही मतलब प्रातः काल ही 10:48 पर प्रीति योग का निर्माण हो रहा है। उसके बाद फिर आयुष्मान योग का आरंभ हो जाएगा जो कि अगले दिन यानी कि 18 अगस्त को प्रातः काल 7:51 तक रहने वाला है। अब जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। 17 अगस्त को यानी कि शनिवार के दिन हम सभी व्रत रखेंगे और पूजा का मुहूर्त संध्या काल में 6:58 से लेकर के रात्रि 9:09 तक का है। लगभग 2 घंटे 11 मिनट का हमें समय प्राप्त हो रहा है पूजा प्रार्थना करने के लिए। यह दिन रुद्राभिषेक कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जा रहा है क्योंकि पूरे दिन शिव का वास रहेगा। सावन में वैसे तो हर दिन शिव का वास होता है, परंतु शनि प्रदोष के दिन शिव वास कैलाश पर सुबह ही 8:05 से आरंभ हो जाएगी और उसके बाद नंदी पर यह वास होगा जो अगले दिन 5:11 तक प्रातः काल तक रहने वाला है। अब जानते हैं कि पूजा की विधियां क्या होंगी। प्रदोष व्रत के एक दिन पूर्व ही स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के शुद्ध और सात्विक भोजन को ग्रहण करें। तत्पश्चात महादेव जी का ध्यान करते हुए दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके निवृत्त हो जाएं। साफ और स्वच्छ पीले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्रों को धारण करें। सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। तत्पश्चात अपने घर के देव स्थान में दीपक जला करके व्रत का संकल्प लें। प्रदोष काल में यह पूजा की जाती है, इसलिए सुबह जो आप प्रातः काल प्रतिदिन की पूजा अर्चना करते हैं वह करें। मानसिक रूप से भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप अवश्य ही करते रहें। किसी के बारे में अनहित या फिर निंदनीय बातें नहीं बोलनी चाहिए। व्रत के दिन आपको दोपहर में शयन भी नहीं करना चाहिए।
किसी दूसरे के यहाँ का अन्न और जल कभी त्याग करना चाहिए, इससे पूजा का पूर्ण फल आपको ही प्राप्त होता है। शनिवार का दिन है तो यह बहुत ही विशेष है। इस दिन आपको पीपल के वृक्ष में जल भी अर्पण करना चाहिए और पीपल में दीप दान भी करना चाहिए। अब संध्या काल में जब पूजा का समय हो तब आप घर में भी पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा कर सकते हैं, या फिर आसपास शिवालय हो तो वहाँ भी आप पूजा करने जा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा में विभिन्न प्रकार से अभिषेक करने का महत्व बतलाया गया है। जल, दूध, घी, शक्कर, शहद या फिर पंचामृत, इन सभी चीज़ों से अलग अलग प्रकार से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। पंचाक्षर मंत्र का जाप करते रहें। पूजा करते समय अपने ध्यान को अन्यत्र नहीं ले जाना चाहिए। जब अभिषेक हो जाए तब अच्छे प्रकार से भोलेनाथ को पोंछ करके उनका श्रृंगार करना चाहिए। जनेऊ समर्पित करें, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें, माथे पर यानी कि शिवलिंग पर आपको त्रिपुंड लगाना चाहिए चंदन से या फिर भस्म से। तत्पश्चात काले तिल, जौ, गेहूं, चावल, इन सभी चीज़ों को अर्पण करना चाहिए। दुर्वा, धतूरा, आग के पुष्प, बेलपत्र इत्यादि, ये सभी चीज़ें भगवान शिव को समर्पित करनी चाहिए। धूप, दीप, अष्टगन दिखाएं, भोग इत्यादि समर्पित करें। तत्पश्चात हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा का श्रवण करें। जब व्रत की कथा पूर्ण हो जाए तब उस पुष्प को भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दें। व्रत की कथा यदि आप शिवालय के नज़दीक बैठ करके सुनते हैं अर्थात शिवलिंग के नज़दीक, तो उसका फल आपको अनंत गुना प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ के समीप बैठ करके सुना गया व्रत की कथा का पुण्य इतना अधिक है जिसके बारे में देव भी गणना नहीं कर सकते हैं। शिव पुराण में बतलाया गया है, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है उससे अनगिनत लाभ की प्राप्ति होती है, जीवन सार्थक हो जाता है। इसके पश्चात आपको आरती करनी चाहिए कर्पूर के द्वारा, तत्पश्चात क्षमा याचना करें। दूसरे दिन पारण से पूर्व भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करें, तत्पश्चात भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें। दान दक्षिणा में भोजन तथा अन्न का दान करना चाहिए, तत्पश्चात ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। ऐसा व्रत सर्व सुख देने वाला है, सभी प्रकार की मनोरथ को पूर्ण करने वाला होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।